हम समाज और उसके नियमों और तौर तरीकों से इतना ज़्यादा प्रभावित हैं, इस तरह से हमारे भीतर समाज रम गया है कि हम उसको चाहकर भी अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। हम अपना जीवन इस सोसाइटी और इस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के ना होने की अवस्था में सोच भी नहीं सकते हैं। इतना डर है हमारे अंदर, इतना संदेह है हमारे अंदर। आप यह देखिए, आप कुछ अनूठा करना चाहते हैं पर वह कार्य आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि डर है कि क्या होगा अगर मैं सोसाइटी के विपरीत जाता हूँ। तो मैं ना तो रस्मों की बात करता हूँ, ना मैं परंपराओं की बात करता हूँ, और ना ही मैं संस्कृतियों की बात करता हूँ। हालांकि हम इन सब से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। मैं बात करता हूँ अटैचमेंट की। हम अभी अपने वर्तमान जीने के तरीके से इतना ज़्यादा परिचित या अभ्यस्त हो चुके हैं कि इस अटैचमेंट से दूर जाना बहुत कठिन हो गया है। अगर हम बात करें फ्रीडम की, कंप्लीट फ्रीडम की, आप जो चाहें अपने जीवन के साथ कर सके, यह ध्यान में रखते हुए कि कोई अन्य व्यक्ति आपके द्वारा किए गए कुछ एक्शंस से कष्ट में ना पहुँचे। ध्यान से सोचिए, क्या वह कार्य आप कर सकते हैं? हाँ, यह ज़रूर होगा कि आपके ऊपर लोगों की उम्मीदें रहेंगी, पर कहीं ना कहीं इसमें उनका ही दोष है, क्योंकि आप अपनी खुशी अगर कहीं और ढूंढते हैं तो इसका मतलब आप एक खुशी का जाल बुनते हैं। वह खुशी का जाल कभी भी नष्ट हो सकता है। यह हमको बाधाओं में डालता है, यह हमसे हमारी फ्रीडम छीनता है। तो क्या हम सही में मुक्त हैं अगर हम किसी की खुशी को नियंत्रित कर सकें? क्या हम सही में मुक्त हैं अगर हमारा होना या ना होना किसी को दुख या फिर सुख पहुंचाता है? क्या हम सही में मुक्त हैं अगर हमारा कुछ समाज के विपरीत करने से दूसरों को पीड़ा होती हो? अगर ध्यान से देखा जाए तो वह कार्य उनसे कुछ खास संबंधित भी नहीं होता है। क्या आपको अभी भी यह लगता है कि आप सही में मुक्त हैं?